ये बस कब चलेगी? अब तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस थोड़ी देर और चुटकी, फिर तो हम ढेर सारी सब्जियों के बीच होंगे। तुम्हें जितनी सब्जियाँ खानी है खा लेना। हाँ, गाजर ही गाजर होंगी वहाँ, मैं तो सारी गाजर खाऊंगा। तो फिर चलो बच्चों, ताजी ताजी सब्जियों के खेत में। ये चलो चले। आओ बच्चों, मेरे हरे भरे खेत में आपका स्वागत है। आप जितनी चाहे उतनी सब्जियां खा सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है, आपको सब्जी खाने से पहले उसे पहचान कर उसका नाम बताना होगा। ठीक है? ठीक है। मैंने ढूंढ लिया। ये फूल गोभी है ना? बिल्कुल सही। तो बताओ, इसे हम पकाकर खाते हैं या कच्चा? पकाकर। बहुत खूब। चुटकी, जल्दी इधर आ जाओ, यहाँ देखो लाल लाल टमाटर, हम मिलकर इसे खा सकते हैं। बिल्कुल सही बेटा, पर खाने से पहले इन्हें पानी से धो लेते हैं। आउच, ये कहाँ फंस गए मेरे बाल? रुको चुटकी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे ये देखो, ताजे ताजे मटर। बिल्कुल सही पहचाना। चलो इन्हें पानी से धोकर साथ में मिलकर खाएं। बच्चों, सब्जियां जैसे मटर, कद्दू, लौकी ऐसे ही बेलों पर उगती हैं, पर कद्दू और लौकी को हम पकाकर खाते हैं। और मटर पकाकर और कच्चा दोनों तरह से खा सकते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी गाजर? अब मिल भी जाओ। क्या हुआ टिंकू? मेरी गाजर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है टिंकू यहाँ गाजर है ही नहीं। मेरा तो पेट भर गया, लेकिन तुम अब क्या खाओगे टिंकू? आबरा का डाबरा, जहाँ नहीं पड़ी आपकी नजर, वहाँ थे ये लाल लाल गाजर। जादू जादू, मेरी गाजर मिल गई। बच्चों, ये कोई जादू नहीं है। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो जमीन के अंदर उगती है, जैसे कि मूली, अदरक, प्याज, लहसुन और आलू। और सब्जियाँ जैसे पालक, करेला, पत्ता गोभी, मटर और शिमला मिर्च, ये सभी जमीन के ऊपर उगती है। अब समझी, जो सभी सब्जियां हमें दिखाई देती हैं वो जमीन के ऊपर उगती हैं, और जो सब्जियां हमें नहीं दिखाई देती वो जमीन के अंदर है ना? बिल्कुल सही बच्चों। तो बच्चों बताओ, इनमें से कौन सी सब्जी हम पकाकर खाते हैं और कौन सी कच्ची? आलू, पालक और करेला पकाकर, और बाकी सब्जियां कच्ची और पकाकर दोनों तरह से। बिल्कुल सही। धन्यवाद काका, ये गाजर तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ चाचा, इसे खाकर तो मजा आ गया। बच्चों, उम्मीद है आपको भी हमारी तरह सब्जियों के बारे में जानकर मजा आया होगा। क्या आप ऐसी कोई सब्जी बता सकते हैं जो जमीन के अंदर या ऊपर उगती है? उसका एक चित्र बनाकर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को दिखाएं।